और चलिए भोपाल से खबर आ रही है जहां प्रदर्शन की खबर है। आपको बता दें बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर दिया है। विश्वविद्यालय में फैली अनियमितताओं को लेकर छात्रों ने कुलपति के खिलाफ ये प्रदर्शन किया है। बड़ी संख्या में छात्रों ने बीयू का घेराव किया है। तो बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जहां कुलपति को ज्ञापन सौंपा है, माफ कीजिए, अनियमितताओं को लेकर कुलपति को ज्ञापन सौंपा गया है। बड़ी संख्या में छात्रों ने विश्वविद्यालय का घेराव किया है। बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में एबीवीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। छात्रों ने कुलपति को ज्ञापन सौंपकर समस्याओं के निदान की मांग की है। अनियमितताओं को लेकर यह प्रदर्शन रहा एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में। जानकारी लेंगे पूजा, हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद हैं। पूजा, क्या कुछ खबर? जी बिल्कुल पायल, आपको बता दूं कि वीयू में जो है छात्र परिषद ने धरना प्रदर्शन किया है। पहले तो घेराव किया, कुलपति को बाहर बुलवाया गया, लेकिन जब कुलपति ने भी कोई लिखित आदेश नहीं दिया उसके बाद जो है आपने छात्रों का आक्रोश भी देखा, जिस प्रकार से छात्र वहां पर डटे रहे और नीचे बैठकर भी प्रदर्शन किया। आपको बता दूं पायल की बरकतुल्ला विश्वविद्यालय में काफी समय से अनियमितताओं पर जो है शिकायतें की जा रही है। छात्र वहाँ के काफी ज्यादा परेशान हैं, लेकिन इसके बावजूद भी छात्रों की सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ दिनों पहले का ही मामला है जहाँ पर एक बिल्डिंग में छत गिर चुकी थी और उसके कारण जो है किसी भी छात्र को चोट भी आ सकती थी। गनीमत रही कि वहाँ पर उस समय कोई भी छात्र मौजूद नहीं था। ऐसे में एक और बिल्डिंग है जहाँ की छत पूरी तरीके से गड़बड़ हो चुकी है, टूटने वाली है, लेकिन उसका ख्याल भी जो है विश्वविद्यालय प्रबंधन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात जो हॉस्टल्स हैं उनमें बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था ठीक से नहीं है, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तमाम ऐसी जो परेशानियां हैं खासतौर पर पढ़ाई को लेकर कि जो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है वहां पर सिविल के एचओडी जो है पढ़ा रहे हैं, तो इन सारी चीजों को लेकर जो है छात्र प्रोटेस्ट वहां पर कर रहे थे कि हमें हमारा एचओडी चाहिए और जो पुराने एचओडी अभी जो वहां पर कार्यरत है वो किसी भी काम से एचओडी नहीं है, छात्रों की कोई सुनवाई नहीं करते हैं। इन तमाम चीजों को लेकर जब प्रदर्शन काफी आगे बढ़ा और बच्चों ने जो कुलपति के पास जाकर अंदर घुसने का भी प्रयास किया, उसके बाद जो है वहां के रजिस्ट्रार ने ये आदेश घोषित किया कि जो एचओडी को हटाने की मांग की थी वो एचओडी को तत्काल प्रभाव से वहां से हटा दिया गया है। ये हाल ही की बात मैं आपको बता रही हूँ पारुल, जो अभी की फिलहाल की अपडेट है कि वहां से एचओडी को हटाने के आदेश जारी हो गए हैं। दूसरे एचओडी को तुरंत जो है वहां पर लाने की प्रक्रिया भी चालू है। चलिए, यानी एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का जो ये प्रदर्शन है और जिसको लेकर उन्होंने जो मांग रखी कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, और एचओडी को हटाकर दूसरे एचओडी को लाने की बात थी, आपने बताई है। पूजा, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो अब इस प्रदर्शन के बाद एचओडी को हटाया गया है, दूसरा एचओडी को यहाँ पर लाने की बात कही जा रही है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, अनियमितताओं को लेकर ये प्रदर्शन एबीवीपी के कार्यकर्ता बरकतुल्ला में कर रहे थे।